जी असल नाजीन नाजीन ये देखिए कि मेरे सामने ये क्या चीज़ें पड़ी हैं अंजीर ये सारी अंजीर है और एक किस्म ये भी अंजीर की ही है ये देखिए ज़रा देखने में ये खुश खुबानी की तरह की है लेकिन अंजीर है और साल हा साल से अल्लाह पाक के फ़लो करम से हमारे घर में अंजीर जो है वो ख़त्म नहीं होती है सिर्फ गर्मियों के दिनों में नहीं होती है बाकी जैसे ही गर्मियाँ ख़त्म होती हैं ख़जा शुरू होगी तो अंजीर आ जाएगी और बहार के ख़त्म होने तक यानी गर्मियों की आमद से चंद दिन पहले तक अंजीर जो है ये मौजूद रहती है और इस्तेमाल होती है इससे पहले कि हम अंजीर पर तफसीली बात करें तो मैं कुरान करीम की सूरत अलतीन का हवाला देना चाहूंगा कि उसमें क्या है वो सूरत शुरू होती है वा वा यानी सबसे बड़ी जात जो है वो अल्लाह पाक की है और अल्लाह पाक जो भी बात करता है उसको किसी कसम खाने की जरूरत नहीं है लेकिन सिर्फ इस चीज की अहमियत को बयान करने के लिए अगर अल्लाह पाक कसम खा रहा है और वो किसकी खा रहा है व तीन व जैतून ही, ही। इसमें व तीन जो है वो अंजीर है और जैतून जैतून है तो अगर अल्लाह पाक अंजीर की और जैतून की कसम खा रहा है तो इससे अंदाजा लगा लें कि ये कितनी अहम चीज है इसमें किस हद तक अफादियतें छुपी हुई हैं सिर्फ आपने उसे खोज खोज के निकालना है। जितनी तहकीक करते जाए उतनी नई परतें खुलती चली जाएंगी तो अब हम इस पर बात करते हैं क्या आप देखें कि ये ऐसी चीज़ है कब्ज का भी खात्मा करती है और कब्ज ऐसी नामुराद बीमारी है कि जो बहत्तर बीमारियों की माँ है कि अगर कब्ज ठीक कर ले तो बहत्तर किस्म की बीमारियां जो है वो वैसे ही उनसे बंदा बच जाता है फिर निज़ाम तनफस निज़ाम तनफस के मसाइल यानी हमारे सांस लेने के निजाम के जुमला मसाइल जो भी मसाइल उसमें आ सकते हैं उन सब के लिए ये अंजीर जो है ये कमाल चीज़ है फिर जिन बच्चों के पेट में कीड़े हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है और जिन्हें खुश खांसी हो जाती है इन सर्दियों में उनके लिए भी यह कमाल चीज है फिर जिन खातन में खून के सुर खुलियों की कमी होती है हीमोग्लोबल लेवल कम होता है उनके लिए भी यह बहुत कमाल चीज है और जिन मर्दों में टेस्टोस्टीरॉन का लेवल कम है यानी जो किंग ऑफ ऑल हारमोन है सारे हारमोन का जो सरदार है जिसे मर्दाना हारमोन भी कहते हैं उसे टेस्टोस्टीरोन लेवल कहते हैं वो मर्दों के लिए बेपना जरूरी है उनके सारे अफाल के लिए उसके लिए भी अंजीर कमाल चीज है ये कैंसर से भी बचाती है ये दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छी है ये वजन कम करने में भी बहुत मुआवन है इसमें फाइबर की मकदार बहुत ज्यादा होती है और फिर सबसे अहम सवाल कि शुगर के मरीजों को यह खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए हामला खुत को यह खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं और इसको किस तरीके से खाना है यह भी आपको मैं बताता हूं कितनी मकदार में खाना है किसने खाना है और किसने नहीं खाना तो करना क्या है? करना यह है कि इसकी जो खुराक है नॉर्मल वो पांच से सात दाने हैं ये जो अंजीर है इसके या आप निकाल लें पांच से सात अगर आपको बहुत ज्यादा चाहिए तो आप नौ भी कर सकते हैं लेकिन पांच से सात दाने बहुत सफिशियंट मिकदार है इससे ज्यादा नहीं खाने चाहिए अब खाने किस तरह है खाने इस तरह हैं कि आपने रात को पानी में भिगो देना है और कम से कम दस से बारह घंटे यह पानी में भीगी रहनी चाहिए गिलास डेढ़ पानी ले उसमें पांच से सात दाने भिगोएं और सुबह खाली पेट खाएं और जिन लोगों को शुगर है वो इसका पानी जो है वो पौधों को डाल दें उसके अंदर भी बहुत अफादियत है बहुत ताकतवर पानी है अंजीर वाला लेकिन जिनको शुगर है वो इसका पानी ना पिए वो खाली अंजीर खाएं और वो इसकी मकदार जो है वो सात दानों की बजाय पांच दाने करें और जिनको शुगर नहीं है वो इसका पानी भी साथ पिएँ और जिन ख़ी में हमोग्लोबल लेवल का मैं खून के सुरख की कमी है वो खातीन और वो मर्द जिनका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो रहा है उम्र के साथ साथ उसमें बड़ी कमी आती जाती है तो वो क्या करें वो इसको रात को पांच से सात दाने गरम दूध के साथ इसको खा लें सोने से दो घंटे पहले एक गिलास गरम दूध पांच से सात दाने अंजीर के वो अपने खाने हैं और एक गिलास गरम दूध पी लेना है और उसके दो घंटे के बाद आपको सोना है क्योंकि दूध हजम होने पे टाइम लेता है उसके फौरन बाद आप नहीं सो सकते हैं तो वो इस तरह कर लें बाकी जिन बच्चों के पेट में कीड़े हैं उनको आप तीन से पांच दाने दें सुबह खाली पेट दें इसी तरह रात को भिगो के रखें और सुबह उन्हें खाली पेट दे दें जो बालक अफराद है वो पांच से सात दाने पे जाएं लेकिन सुबह खाली पेट खाएं आप दिन को भी इसको खा सकते हैं दो तीन दाने लेके आपने खाने या खा लें लेकिन यह है कि ये आपको फायदा देगी नुकसान नहीं देगी क्योंकि ये आपके पेट को भरे भरे होने का एहसास देगी लेकिन यह नहीं है कि आप इसकी बहुत ज्यादा मकदार ना लें नहीं तो शुगर की मकदार बढ़ जाएगी हामला खातन के लिए अच्छी है वो जरूर खाएं उनको फायदा देगी उनका हीमोग्लोबिन लेवल भी बेहतर करेगी और उनको बहुत एनर्जी भी देगी ये इसमें बहुत से वाइटामिन बहुत से मिनरल मौजूद है बहुत अफादियत मौजूद है अब आपका अगला सवाल जी होना है कि खानी कौन सी चाहिए ये वाली खानी चाहिए या ये खानी चाहिए या मार्केट में कई अकसाम की अंजीरें मिलती हैं तो जो अगला वीलॉग है क्योंकि ये वाला वीलॉग फिर लंबा ज्यादा हो जाएगा अब अगला वीलॉग ऐसा हम करेंगे कि उसमें मार्केट में जितनी अकसाम की अंजीरें मौजूद हैं पहाड़ी मैदानी इलाकों की जो गैर म्यारी अंजीर है वो वाली कौन सी है जो पटास के मसाले वाली बारूदी मवाद वाली अंजीरें हैं वो भी मार्केट में दस्तियाब हैं हम वो भी आपको बताएंगे कि वो कौन सी है उसकी पहचान क्या है उसको और कौन सी आपने खानी है कौन सी नहीं खानी है ग्रेडिंग करके बताएंगे यह सब कुछ अगले वीलॉग में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अभी सिर्फ अंजीर के फायदे और तरीका इस्तेमाल बस इसके साथ ही आज के इस वीलॉग से अपने मेजबान मोहसिन भट्टी को इजाजत दीजिए अल्लाह ने के बाद